मॉर्निंग बच्चों, क्लास फर्स्ट, चैप्टर फोर, फैमिली टाइम। देखिए फैमिली की स्पेलिंग क्या है, FAMILY, फैमिली टाइम। तो बच्चों आप सभी पेज नंबर 21 पे जाइए और मेरे साथ साथ टिक लगाते हुए आपको रीडिंग करनी है और स्पीक लाउडली में बोलना है। ओके बच्चों, तो क्या है ये फैमिली टाइम, परिवार का समय, FAMILY, फैमिली TIME, टाइम, फैमिली टाइम। ओके बच्चों, तो देखिए पेज नंबर 21 पे जाइए। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, इसमें आपको भरना है कि आपके मैनी मेंबर सदस्य, जो परिवार के सदस्य है ना, वो कितने हैं, उनके सदस्यों के नाम लिखने हैं। सेकंड है, इज इट ए बिग स्मॉल फैमिली, क्या आपका परिवार छोटा है या बड़ा है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। किसी का बड़ा परिवार होता है, किसी का स्मॉल, छोटा। छोटा परिवार कौन सा होता है, जिसमें मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन रहते हों, और बिग बड़े परिवार में कौन कौन होते हैं, चाचा चाची दादा दादी कज़न, चाचा चाची के बच्चे, वो सब होते हैं, वो बड़ा परिवार होता है। वो आपको लिखना है आपका स्मॉल फैमिली है या बिग फैमिली है। ओके बच्चों, डू यू हैव ए पेट, आपके पास कोई पालतू जानवर है, तो उस पर लिखिए यस या नो, है तो यस और नहीं है तो नो। वॉट इज इट्स नेम, आपका जो पेट एनिमल्स होता है ना, पालतू जानवर, डॉगी होता है किसी के पास, कैट होता है किसी के पास, हॉर्स होता है, उसका जो नाम आपने निकनेम डाल रखा है, नाम वो डालना है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड इन द फैमिली, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है परिवार में, उस वो कौन है, वो लिखना है। पेज पलटिए बच्चों, अब पेज पलटिए, पेज नंबर जाइए, पेज नंबर 22। देखिए पीपल हु लिव विथ अस इन आवर होम मेक अ फैमिली, जो लोग हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, फैमिली, परिवार कहलाता है। दे आर ऑल कॉल्ड फैमिली, कॉल्ड फैमिली मेंबर्स, और उनको हम क्या कहते हैं, परिवार के सदस्य। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलिए, दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, दे ऑल शेयर अ कॉमन सरनेम। सरनेम बताया था आपको, सरनेम क्या होते हैं, वंश सूचक नाम होते हैं, जाति सूचक नाम होते हैं ना, वो होते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ फैमिलीज, परिवार के कितने प्रकार होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, जो परिवार होता है वो डिफरेंट भिन्न भिन्न या अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेट अस नो अबाउट देम, आइए जानते हैं। न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली कौन सी होती है, एकल परिवार। एकल परिवार में कौन कौन होता है, जो छोट स्मॉल फैमिली होती है ना, उसी को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली इज अ स्मॉल फैमिली, जो एकल परिवार होता है वो छोटा परिवार होता है। इट हैज़ पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन, न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, और वन और टू चिल्ड्रन,
एक या दो बच्चे होते हैं. आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर आर कॉल्ड आवर सिबलिंग्स. भाई और बहन जो होते हैं एक माँ से पैदा जन्म जो लेते हैं वो भाई बहन को हम क्या कहते हैं? सिबलिंग्स. एक माँ से जन्मे बच्चों को हम क्या कहते हैं? सिबलिंग्स. जो भाई बहन होते हैं ना एक माँ से पैदा हुए बच्चों को. वाट इज द नेम ऑफ योर सिबलिंग्स? वाट इज द नेम ऑफ योर सिबलिंग्स? आप कितने भाई बहन हैं उनके नाम बताइए. नेक्स्ट चलिए जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली देखिए. जॉइंट फैमिली क्या होती है? जॉइंट फैमिली आर ऑफ टू टाइप्स. जॉइंट जो फैमिली होती है दो प्रकार की होती है. स्मॉल जॉइंट फैमिली, छोटा संयुक्त परिवार. जो इकट्ठा परिवार होता है ना, एक साथ रहता है, संयुक्त रहता है, उसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं. ये दो प्रकार की होती है, स्मॉल जॉइंट फैमिली और बिग जॉइंट फैमिली. अब देखिए बच्चों ये पिक्चर देखिए. इसमें स्मॉल जॉइंट फैमिली दिखाई गई है ना. इसमें देखिए कौन कौन है. माता पिता, दादा दादी, माता पिता, भाई और बहन. ये कौन सी है फैमिली? जॉइंट, स्मॉल जॉइंट फैमिली. नेक्स्ट देखिए बिग जॉइंट फैमिली. बिग में देखिए कितने सारे हैं. पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, अंकल आंट्स हैं, चाचा चाची हैं, ग्रैंडफादर हैं, दादा दादी हैं और कजन भाई बहन हैं. इन अ स्मॉल जॉइंट फैमिली देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स. जो स्मॉल जॉइंट फैमिली होती है उसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, दादा दादी होते हैं. पेरेंट्स एंड वन और टू चिल्ड्रन. स्मॉल जॉइंट फैमिली में दादा दादी, माता पिता, एक बच्चा या दो बच्चे होते हैं. इन अ बिग जॉइंट फैमिली, जो बड़ा परिवार होता है उसमें कौन कौन होता है? देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड देयर आर देयर चिल्ड्रन और लिविंग टूगेदर इन द सेम हाउस. बिग जॉइंट फैमिली, जो बड़ा संयुक्त परिवार है उसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची एंड बच्चे एक साथ एक घर में रहते हैं. चिल्ड्रन ऑफ अंकल एंड आंट्स आर कॉल्ड कजन. जो बच्चे होते हैं ना चाचा चाची के, उनको हम क्या बोलते हैं? कजन. ओके बच्चों, आज इतना ही कराएंगे. आपको स्पीक लाउडली में अपने फिंगर टच करते हुए आपको साथ साथ जैसे मैंने पढ़ाया है उसी तरीके से आपको पढ़ना है. इसकी हिंदी भी करनी है. ग्रैंड पेरेंट्स किसे कहते हैं? पेरेंट्स किसे कहते हैं? चिल्ड्रन, फैमिली, अंकल, आंट्स, कजन, सिबलिंग, न्यूक्लियर फैमिली है ना, स्मॉल जॉइंट फैमिली, बिग जॉइंट फैमिली, ये सब आपको लर्न करना है. ओके बच्चों.